गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर की किताब से, हिंदी व्याकरण की किताब से पीटी वन के बाद आज लेसन सिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेसन फाइव पढ़ चुके हैं, उसका नाम था वचन। वचन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वह है काल। चैप्टर का नाम है काल। सबसे पहले हम ये जानेंगे काल का मतलब क्या होता है। काल मतलब समय, काल मतलब समय। तो बच्चों जान अपन समझेंगे, पढ़ेंगे कि काल का मतलब पहले क्या होता है। सबसे पहले काल के बारे में हम जानेंगे, काल का मतलब समय। तो बच्चों चलिए देखते हैं पेज नंबर 24, आप सब भी ओपन कीजिए पेज नंबर 24 और अपनी बुक के अंदर ध्यान से देखिए। काल का सामान्य अर्थ है समय। सभी क्रियाएं प्राय अलग अलग समय पर होती है। कुछ क्रियाएं वर्तमान समय में होती है या की जाती है। वर्तमान समय में की गई क्रिया समय गुजरने पर बीते हुए समय की क्रिया हो जाती है। ये क्रियाएं आने वाले समय में की जाती हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। घोड़ा दौड़ रहा है, रोहन ने पत्र लिखा, ऋषभ कल क्रिकेट खेलेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया जो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है, तथा तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। हर वाक्य की क्रिया से कार्य के होने के समय की पता चला जा रहा है अपन को। तो हमने जाना क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का जो पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, काल कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उस कार्य के होने या करने का जो समय होता है उसका हमें जो पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का जो पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है बच्चों, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे उसके जो वाक्य है, जब वाक्य एंड होता है, वाक्य जब खत्म होता है तो उसके अंत में उसके पीछे क्या आता है हु और हो आते हैं। जैसे उदाहरण में आपके जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वह जा रहा है, इसके वाक्य के अंत में है आया है, वे सब लड़ते हैं, मैं कक्षा दो में पढ़ता हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चों ये काम सब अभी हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल के नाम से जाना जा रहा है। वह जा रहा है मतलब अभी जा रहा है ना, तो ये वर्तमान काल में आएगा। फिर वे सब लड़ते हैं, तो भी अभी वे सब लड़ते हैं, वो अपने अभी हो रहा है काम। जो काम अभी हो रहा है मतलब जो समय अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, वह काल कौन सा कहलाता है बच्चों, वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय गुजर जाता है, जो समय बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के वाक्य जो अंत में था, थी, थे, थे, थी, थे सब आते हैं, और अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए भी शब्द दिए, इधर भी सेंटेंस दिया हुआ है, वह बस से स्कूल जाता था। सेंटेंस को अपन देख के मालूम चल जाता है अपन को कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है। वह बस से स्कूल जाता था मतलब ये काम हो चुका है, समय गुजर गया है, समय बीत गया है। तो बीते हुए जो समय होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। हम सब बाजार जा रहे थे, श्वेता अच्छा गाती थी, नेहा और रीता सहेलियां थी, मोहन कल ताजमहल देखने गया, अनीता अपने माताजी के साथ दुकान पर गई, वे कल हमारे विद्यालय आए। ये जो तीन सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं, इसके जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, इसमें या लास्ट में या आया, या क्रिया के अंत में या आया है, और एक ई आया है और एक ए आया है। तो बच्चों ये भी भूतकाल के अंतर आता है। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है, जो काम हो चुका है वह भूतकाल के अंदर आता है। वर्तमान काल जो काम अभी हो रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया है। अभी भविष्य काल देखेंगे, आगे आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य के काल के अंत वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। उदाहरण के लिए, विनय पत्र लिखेगा, विद्या सेब खाएगी, संदीप और विजय फिल्म देखने जाएंगे, मोहन दिल्ली जाएगा।
तो बच्चों भविष्य काल में क्या है, जो आगे आने वाला समय, जो समय अभी आना है, उसको भविष्य काल के नाम से जानते हैं। और जो इसके वाक्य होते हैं उसके अंत में गा गी गे आता है। तो बच्चों सबसे पहले ये पढ़ा हमने काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का होने या करने के जो समय होता है उसका हमें जो पता चलता है वह काल कहलाता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो काम अभी हो रहा है वह वर्तमान काल है, जिसके अंत वाक्य के अंत में है हु है आता है, ये वर्तमान काल के अंदर आता है। आगे आपका है जो, वो क्या है? भूतकाल। तो जो समय बीत जाता है, जो समय बीत गया है वह भूतकाल के नाम से जाना जाता है। उसके वाक्य के अंत में था, थी और थी आता है। नेक्स्ट जो आपका है भविष्यकाल, जो अभी आने वाला है वह भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है और उसके वाक्य के अंत में गा गी गे गे लगता है। तो बच्चों इन बात का हमें ध्यान रखना है। वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है। भूतकाल, जो काम हो गया। भविष्यकाल, जो काम आगे होना है, आने वाला है, जो काम अभी आने वाला है। तो भूतकाल जो समय बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्यकाल अभी आगे आने वाला है, तो उसके भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो तीनों में डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा बच्चों। और देखो वापस एक बार मैं बताती हूँ, वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल आगे आने वाला है, वह भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। और भी आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बच्चों। और आपको इसको एक बार पेज नंबर 24 और 25 को ठीक से पढ़ना है। और ये जो इसकी एक्टिविटी है इसमें देखो, 25 पेज नंबर पे, मोहित ने केला खाया। ये किसमें आएगा? इसमें कौन सा काल लगेगा बच्चों? भूतकाल। कौन सा काल लगेगा? भूतकाल, क्योंकि वह खा चुका है। विपुल विद्यालय जाता है, काम अभी हो रहा है, इसलिए इसमें वर्तमान काल आएगा। कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल। विनोद कल रो रहा था, इसके एंड में आता है, कल रो रहा था, काम हो गया, तो उसके लिए भूतकाल। कौन सा होगा? भूतकाल। फिर प्रशांत पतंग उड़ा रहा है। कब उड़ा रहा है? अभी उड़ा रहा है। तो जो काम अभी हो रहा है उसके लिए कौन सा काल होता है बच्चों? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। लास्ट, राधा कहानी लिखेगी। अभी राधा ने कहानी लिखी नहीं है और अभी लिख भी नहीं रही है, लिखेगी। गा गी गे गे किसके अंत में आता है? भविष्यत काल के अंत में। तो इसमें कौन सा काल आएगा बच्चों? भविष्यत काल। तो आपको इस बार चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है और समझना है। मुझे आशा है एक बार आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार चैप्टर को ठीक से पढ़ना है और इसको समझना है। धन्यवाद।